तो हाँ जी बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का है ब्लॉग, लगभग ब्लॉग आते ही जा रहे, खाली बीच में एक दिन ब्लॉग मिस हो गया और कल शायद से कल के बाद ब्लॉग थोड़ा और मिस होगा क्योंकि हमारी जर्नी टुवर्ड्स लॉन्ग राइड चालू होने वाली है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग में बस खाली यही करना है, थोड़ा ड्राइव के प्रिपरेशन के लिए कुछ सामग्री लेने जाने का। सामग्री ऐसा है कि मेरे पास है लैपटॉप नहीं है, बस डेस्कटॉप है जिसपे मैं एडिटिंग करता हूँ। तो अब अगर पॉसिबल होगा तो मैं फोन के थ्रू जो ट्रेवल ब्लॉग है उसको एडिट करूंगा। तो पहले जाके लेना है मुझे एक एसडी कार्ड, एक्सटर्नल एसडी कार्ड, क्योंकि अपने पास और एक दिक्कत ये है कि अपने पास हार्ड ड्राइव भी नहीं है। अरे खड़े तो रहे वो बच्चा शर्मा रहा है। तो कल घर साफ करते करते मुझे एक चीज मिली जो 90s के किड हो, तू कभी बॉर्न हुआ 2009, हाँ तो तू ये बात नहीं समझेगा। तो जो 90s के किड है वो बात ही समझेंगे कि मुझे क्या मिला है। रुको, इससे नहीं समझोगे। तो ये ट्यून से आपको समझ में आ गया रहेगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अक्सर 90s के किड जो हमारे जमाने के लोग थे, तो हम लोग जो फोन यूज करते थे वो था नोकिया। तो घर का फर्स्ट फोन अब तक जिंदा है, तो मैं सोचा ये ब्लॉग के अंदर आपको इसके बारे में बता दूं। लेकिन इससे पहले जाके एसडी कार्ड लेते क्योंकि बहुत काम है आज। हेलो जी, पहुंच गए जहाँ पे जाना है, विजय जाना है, अपने को लेना है एक अच्छा खासा 64 GB का सिम कार्ड, नहीं रहे मेमोरी का, नील पूरा फुल सर्जन लग रहा है। चल चल वापस सामने आना, उठा उठा। विजय सेल्स में हम लोग को मेमोरी कार्ड मिला नहीं, तो आप जाएंगे सिटी सेंटर में। बात ये है कि विजय सेल्स में एकदम सस्ते में मस्त मिल जाता है, जो अमेजोन पे प्राइस है 64 GB का, वो अगर अमेजोन पे 669 बता रहा है, अगर यहाँ पे कुछ 700-750 तो मिल जाएगा तो हम ले लेंगे, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते, काम चला लेंगे कुछ ना कुछ करके। मिल गया हमें एसडी कार्ड फाइनली। नील बोल रहा था कि ऑफलाइन कितना महंगा पड़ेगा, लेकिन महंगा नहीं, बहुत ही सस्ता पड़ा। बाय द वे इसको देखो, ये बोला था कि 800 तक मिलेगा, लेकिन आपके भाई ने जो बार्गेनिंग किया तो मिल गया। अमेजोन पे 669 बताया था, एक शॉप बोला था 750 और एक शॉप बोला था 800, लेकिन अपने भाई ने लिया 650 के अंदर, डील डन। तो ऑलराइट, अब बात करते हैं इस फोन के बारे में। बाय द वे ये फोन है नोकिया का 6510। बहुत से लोग, आप जो 90s के किड्स हो या 90s में आप लोग ने इस फोन को यूज किया, तो आप लोगों को मेमोरी एकदम रिफ्रेश हो गई रहेगी क्योंकि ये फोन बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के साइज के बारे में। ये इतना छोटा है कि ये मेरा फोन है, देन ये मेरा GoPro Hero 5 और ये रहा हमारा न्यू लेटेस्ट फोन आज के जमाने का Samsung A52। तो साइज कंपेरिजन आप देख ही सकते हो, मेरा पाम में भी फिट हो जाता है, किसको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे पास फोन है, इतना छोटा ही है। और रही बात इस फोन के बारे में, नोकिया ने जितने भी फोन लाया था उस टाइम पे वो सब फ्यूचरिस्टिक फोन थे। फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर के, आज भी वो सब फोन के डिजाइन यूज होते हैं। मिसाल के लिए आप फोन के साइड में देखोगे बॉडी के अंदर, फिलहाल तो इसकी बॉडी बहुत ही पुअर कंडीशन में क्योंकि ये ऑलमोस्ट 25 years ओल्ड फोन है। तो साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे ना जैसे वॉल्यूम अप एंड डाउन का जो सिस्टम है और यहाँ पे ऊपर पावर सिस्टम है, ये आज भी फॉलो होता है। हाँ, खाली पावर बटन है वो अभी ऊपर से हट के साइड में आ गया है, तो ये आज भी यूज हो रहा है। तो इतने फ्यूचरिस्टिक फोन है ऐसे नोकिया की, ये नहीं ऐसे बहुत सारे मॉडल है जो आज भी उसके डिजाइन हाथों हाथ यूज हो रही है, जैसे किकाउटी कीबोर्ड, बैक कैमरा, ये सब नोकिया ने बहुत पहले लाया था, आज सिर्फ इवॉल्व हो गया। उस टाइम के कैमरे जो इतने मजेदार होते थे कि इससे फोटो खींचोगे ना तो बहुत ही बकवास आती थी, लेकिन एनी हाउ वक्त के साथ कैमरा मोबाइल फोन के अंदर इवॉल्व होते गए और आज के फोन की कैमरा हुआ। उस जमाने के फोन की बात करें, आज के फोन की बात करें, तो इसमें इसकी बैटरी जो है वो खाली 750 mAh की बैटरी है, जो कि 3 दिनों तक की बैटरी लाइफ के बारे में बात करना, इसके बैटरी लाइफ के बारे में आराम से 3-4 दिन तक ये फुल चार्ज में कॉलिंग करते करते चल जाता था और 10-12 दिन वो स्टैंड बाय पे चल जाता था। मेरा GoPro Hero 5 और इसकी जो बैटरी है वो 1250 mAh की है। अरे डायरेक्ट कोई कंपैरिजन है नहीं, लेकिन जो भी है इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक चीज़, उस टाइम पे इस फोन के अंदर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी आती थी। अगर दूसरा नोकिया का फोन जिसके अंदर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है तो आप टेक्स्ट मैसेजेस, मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते थे। तो वो तो लैंड वैन का जो जमाना था नहीं, तब जाके ये फोन नेटवर्किंग पे हम आपस में गेम खेल सकते थे, तो ऐसा था। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँगा ना, आज के ज़माने में कोई भी फ़ोन इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आई डाउट कोई देता रहेगा, क्योंकि इसका चार्जर की बात करें, कुछ इस तरह का चार्जर आता था, USB और C टाइप का चार्जर नहीं था। ये टाइप के चार्जर आज भी 25 years के बाद अगर मैं चार्जिंग करूँ तो काम कर रहा है। जो भी 90s के किड्स है उनको मैं आज नॉस्टैल्जिक फील ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि अब देखते हैं इसके एग्जैक्ट फंक्शनिंग कैसी है। तो कीपैड एक्टिवेट, कीपैड लॉक का सिंपल था, मेन्यू बटन दबाओ और ये स्टार बटन दबाओ तो ये अनलॉक हो जाता था। अभी फिलहाल इसका कीबोर्ड कीपैड पूरा घस गया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9, ये स्टार और ये हैशटैग। और आपको सबसे बड़ी डिफिकल्टी इस फोन को यूज़ करने में उस टाइम पे ये होती थी कि आपको टेक्स्टिंग बहुत स्लो होता था, आई मीन
सोचो इतना सारा टेक्स्ट करना रहेगा आज के जमाने व्हाट्सएप व्हाट्सएप अगर इस तरह के कीपैड से यूज़ करोगे, क्योंकि एक ही बटन को एक दो तीन बार दबाना पड़ता था तब जाकर आपके लेटर सिलेक्ट होते थे। इससे पता चलता है कि उस टाइम का ज़माना कितना स्लो था और आज का ज़माना कितना फास्ट है। आई मीन हर कुछ फास्ट पेस पे चल रहा है। तो ये कुछ इस तरह के ज़माना था। यहाँ पे ना आप इसके अंदर खाली आप 500 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते थे, और अगर मेन्यू देखोगे तो मेन्यू में खाली मैसेजेस, कॉल रजिस्टर्ड, प्रोफाइल सेटिंग, देन गेम्स, कैलकुलेटर, टू डू लिस्ट, कैलेंडर और इंफ्रारेड। ये टेक्नोलॉजी यहाँ से आती है, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते थे दो डिवाइसेस को, अपने डाटा शेयर कर सकते थे, और रेडियो और एक्स्ट्रास। अगर हम एक्स्ट्रास में जाएंगे तो यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर है, वॉलेट का ये काम है कि आज जो हम गूगल पे, फ़ोन पे, UPI ID से पैसे मोबाइल के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, तो उस टाइम पे नोकिया को पता था कि हम ये कर सकते हैं, तो इसके लिए वॉलेट का ऑप्शन था। तो जिससे वॉलेट को सिलेक्ट करोगे तो सामने वाले को कुछ वॉलेट कोड डाल के आप उसको पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। जो हे सीरी आज आईफोन ने लाया तो नोकिया ने उस टाइम पे सोच रहा था कि कुछ इस तरह से भी आप अपने फ़ोन को कमांड दे के कंट्रोल कर सकते हो। काउंट डाउन, स्टॉप वॉच और वॉइस रिकॉर्डर वही है। तो अब बात करते हैं इसके, तो उस ज़माने में कुछ इस तरह के टेक्स्ट मैसेज देख एक दूसरे को सेंड करके खुशियाँ बांटी जाती थी। ये एक जोक है, सर शादी के वक्त दूल्हे को अकेले घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है? सरदार, लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वक्त है, भाग जाओ। वेरी फनी। फाइल्स के बारे में, तो आप अपने हिसाब से आपके रिंगटोन को सेट कर सकते हो, और रिंगटोन भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत सही रिंगटोन है। जैसे कि आपका एक फेमस टमाटो केचप का एड चलती थी, तो वो गाना अब ये सुनो। 90s किड कमेंट करके बताना कि गाना कौन सा था। ये चार गेम्स पे पूरा बचपन बिताती है, स्नेक्स, पैस, स्पेस इंपैक्ट और बम्पर। और आज के ज़माने में गेम्स तो ऐसे अनलिमिटेड गेम्स है प्ले स्टोर पे कि पूछो मत। स्नेक्स आप लोगों ने स्नेक्स बहुत खेला रहेगा, ये स्नेक्स 2 के ज़माने का फ़ोन है, और ये 2002 में ये पूरा फ़ोन बंद हो गया। ये बम्पर भी बहुत सही था। ओवरऑल ये फ़ोन का ऐसा एक्सपीरियंस था और बहुत सारी यादें जुड़ी, तो ये फ़ोन को कभी सेल आउट नहीं किया तो बहुत अच्छा काम किया, तब जाके फ़ोन अब तक प्रिजर्व है। ऐसे नोकिया के बहुत सारी सीरीज उसके बाद भी आई, और आप लोगों के पास ऐसा फ़ोन होगा, और अगर है तो डू कमेंट डाउन बिलो, मुझे भी बताओ कि आपके पास नोकिया का कौन सा मॉडल था। जो भी था बहुत सही मेमोरी है।